अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है और आप विड्रॉल करना चाहते हो या किसी रीजन की वजह से आप लोग विड्रॉल नहीं कर पाए हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग विड्रॉल ऑफलाइन जाकर यूनिवर्सिटी में कर सकते हो फॉर्म फिलअप करके। ऑफिशियल प्रोसेस क्या है विड्रॉल करने का, जैसे कि आप सभी को पता है यूजीसी गाइडलाइंस, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ये बोला हुआ है कि 31 अक्टूबर 2024 तक उसमें डेट मेंशन है जहां पर यूनिवर्सिटी 1000 रुपए से ज्यादा चार्जेस नहीं काट सकती है एज अ प्रोसेसिंग फीस, और आपको पूरा अमाउंट रिफंड मिल जाएगा, चाहे आपने एडमिशन पक्का करवा लिया हो, चाहे आपने सिर्फ खाली सीट एक्सेप्टेंस फी पे करी हो। और ये सारे कोर्सेज के लिए है जो भी आईपी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए हैं। तो क्या है प्रोसेस, आपको स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्म दिख रहा होगा, ये फॉर्म आपको अपेंडिक्स 11 में मिल जाएगा जहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स मेंशन होते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के, उसमें आपको ये फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आपको भरना होगा, इसकी हार्ड कॉपी निकलवा के आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही में आपको जो आपने फी रिसीट ऑफलाइन दी है या फिर आपने ऑनलाइन दी है उसकी ओरिजिनल आपको इसके साथ में अटैच करनी होगी, और उसी के साथ में आपको यहाँ पर कैंसल्ड चेक, जो भी बैंक अकाउंट आप लोग डाल रहे हो जिससे आपने फीस पेमेंट करी थी, वो आपको लगानी होगी, और इसमें सारी बैंक के डिटेल्स मेंशन्ड क्लियरली होनी चाहिए। जो आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर फॉर्म देख रहे हो इसमें जो जो डिटेल्स हैं वो एकदम करेक्टली आपने लिखी हुई होनी चाहिए, और इसके साथ ही में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ब्रांच में जाकर सबमिट करना होगा। अगर वो लोग बोलते हैं कि आप लोग एक बार कॉलेज में भी जाकर सबमिट कर दो, तो आप वहां से कॉलेज जाके भी सबमिट कर सकते हो। अगर आप आउटसाइड दिल्ली से आते हो तो मेक श्योर ये करना होगा आपको कि आप यूनिवर्सिटी में जाकर ही इन सभी चीजों को करें, ताकि आपका रिफंड का जो प्रोसेस है वो ऑफिशियल प्रोसेस स्टार्ट हो पाए। एक रिफंड की लिस्ट आपकी सितंबर के लास्ट में आती है, एक रिफंड की लिस्ट आपकी उसके बाद आएगी जिन बच्चों के रह जाएंगे। तो जो भी रिफंड की लिस्ट आएगी वो आपको आईपी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे पता लग जाएगी और यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पे आपको दिख जाएगी अगर आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो वो लिस्ट आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जैसी वो लिस्ट आती है मैं अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर करूं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, पिंड कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। 2000 के आसपास हमारे स्टूडेंट वहां पे कनेक्टेड हैं, आप वहां पे एक दूसरे से डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो, स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो ऑलरेडी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं किसी भी कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग कोर्सेज में, तो उससे आपको काफी हेल्प आउट मिल सकती है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई भी स्कॉलरशिप रिलेटेड आपको चीजें पूछनी है, कोई भी करियर एडवाइस आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, अगर आप इंजीनियरिंग से आते हो तो स्पेशली आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं स्पेशली आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो इस चैनल के ऊपर आती रहती हैं। अभी स्कॉलरशिप्स की काफी अपॉर्चुनिटीज की वीडियो आ रही है और आने वाले दिनों में भी वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। बाकी इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।